तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्मार्ट वॉचेस के बारे में जो अभी अभी लॉन्च हुए, दोनों ही कॉलिंग वाली वॉचेस हैं और दो अलग ब्रांड की तरफ से आती है। इंडिया की बिगेस्ट राइवलरी है ये, मतलब अगर आप वेयरेबल्स की बात करते तो एक तरफ है यहाँ पे नॉइस और एक तरफ है यहाँ पे बोट, जो कि दोनों ने कॉलिंग वाली वॉचेस लॉन्च करी एक साथ 7 तारीख को। और दोनों के बीच में सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम जनता के लिए कर दिया कि कौन सी खरीदी जाए, तो इस कंफ्यूजन का समाधान हम लोग ढूंढ के आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सी वॉच आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाली है 2500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। तो फिर शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को लेके। हम लोग तो यहाँ पर डब्बे को तो हम लोग रखते हैं साइड में, दोनों वॉचेस को हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों वॉचेस को मैं निकाल के यूज कर रहा हूं। अब ये स्मार्ट वॉचेस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल बेल्ट और डिजाइन को लेके। तो यहाँ पर जो बॉडी है बोट में वो दे रखी है पॉलीकार्बोनेट की बॉडी, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इस तरफ जो फ्रेम है ये है मेटलिक फ्रेम, यानी कि टॉप की फ्रेम मेटलिक है, पीछे यहाँ पे प्लास्टिक दे रखा है। दोनों पे आपको 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिलता है, दोनों में आपको 22mm के स्टेप्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी सिमिलर से हैं, बट यहाँ पर एक फर्क आपको देखने को मिलेगा इनके लॉकिंग सिस्टम में। बोट का लॉकिंग सिस्टम थोड़ा सा एप्पल वाला इन्होंने दे रखा है, थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि इसके स्ट्रैप ढूंढने में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, बट यहाँ पर जो नॉइस के स्ट्रैप है आपको इजिली मार्केट में मिल जाएंगे क्योंकि ये इजी पिन रिमूवेबल आपको मिल जाते हैं। बट भाई फिजिकली बॉडी पर नजर डालोगे तो दोनों में आपको सिंगल बटन देखने को मिलता है, पीछे की तरफ आपके यहाँ पे सारे सेंसर्स वगैरह दे रखे हैं और साइड में आपको यहाँ पर इसका माइक्रोफोन और आपका जो स्पीकर ग्रिल है वो आपको दे रखा है बोट में, सेम टू सेम वैसा वैसे आपको यहाँ भी जो है देखने को मिल जाता है। अब दोनों वॉचेस की बिल्ड और डिजाइन के बारे में तो बात हो गई, यहाँ पे बात करें डिस्प्ले को लेके, तो डिस्प्ले दोनों ही वॉचेस में आपको 1.69 इंच का देखने को मिलता है, सिमिलर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। थोड़े से यहाँ पर बोट में चीन आपको जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, नीचे वाला चीन जो है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर डिस्प्ले आपको जो है वो यहाँ पर नॉइज ने प्रोवाइड कर रखा है। अब दोनों ही वॉचेस में आपको यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉइज ने यहाँ पे लगाई है 230mAh की बैटरी और बोट ने लगाई है यहाँ पे 300mAh की बैटरी। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर बोट का जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, यानी कि जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है 4 से 5 दिन का, वहां पे बोट से आप 1 दिन एक्स्ट्रा जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात कॉमन फैक्टर की, तो दोनों ही वॉचेस आपको IP68 रेटेड देखने को मिलती है, यानी कि आप इसको स्विमिंग वगैरह में ले जा सकते हो, पर बहुत ज्यादा पानी की डेप्थ में नहीं क्योंकि ये खराब हो सकती है दोनों ही वॉचेस। अब यहाँ पर जो वेट है ना थोड़ा सा आपको इस वाली वॉच का यानी कि बोट का आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ये 41.6 ग्राम के आसपास देखने को मिलती है और ये कुछ 33 ग्राम के आसपास मिलती है। और डायमेंशन वाइज अगर आप देखोगे ना, मैं इसको फ्लैट रख के दिखाता हूँ, देखो तुम फ्लैट रख के देखने पर देखो यहाँ पर जो बोट है ना थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी सी आपको मोटी देखने को मिलती है कंपेयर टू नॉइस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहाँ पर लगा। बाकी पहनने के हिसाब से ना मेरा जो एक्सपीरियंस लुक वाइज रहा ना वो है बोट, बोट लुक में काफी ज्यादा बेहतर लगती है कंपेयर टू नॉइस, क्योंकि यहाँ पे यूनिबॉडी आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे डुअल टोन का जो उन्होंने यूज करा है उससे थोड़ा सा मजा जो यहाँ पे खराब होता है। अब अगर वॉच के सेंसर्स को लेकर बात करूं तो देखो वॉच में दोनों में आपको सेम टू सेम सेंसर देखने को मिलता है, यानी कि SPO2 मिल जाएगा, आपका HR मिल जाएगा और तीसरा आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिल जाएगा, यानी कि कोई भी सेंसर में डिफरेंस यहाँ पर मेजर है नहीं। बट यहाँ पर जो UI है वो आपको अलग देखने को मिलती है। UI के मामले में ना यहाँ पर नॉइस की मुझे UI थोड़ी स्मूथ लगी, यानी कि परफॉर्मेंस आपको जो थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है अगर आप टॉगल कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो UI है वो स्मूथ है। अब वहीं अगर देखो आप बोट में देखोगे तो बोट में यहाँ पर जो पुरानी UI आपको देखने को मिलती है, कुछ ऐसा दोनों ही वॉचेस में नया जरूर नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पर UI में थोड़ा सा जो ट्रांजिशन है ना, जो मूवमेंट्स है वो आपको जो है कहीं ना कहीं नॉइज में बेहतर देखने को मिलते हैं, बस इतना सा फर्क है। बट यहाँ पर जो एक मेजर डिफरेंस जिसके बारे में आपको बताना भूल गया वो ये है कि इसकी जो ब्राइटनेस है ना नॉइस की, ये थोड़ी सी कम पड़ेगी आपको बोट के सामने। बोट की ब्राइटनेस बेहतर है, आउटडोर में भी अगर आप इसको ले जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है ब्राइटनेस में बेहतर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इस वॉच के फीचर्स को लेके, तो फीचर्स में दोनों ही वॉचेस में आपको कॉलिंग वाला फीचर देखने को मिलता है और कॉलिंग वाले फीचर में यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बोट का जो है कॉलिंग वाला फीचर अटक रहा है। मैंने यहाँ पर यूज करके देखा था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो कॉल कटने के बाद कुछ इस तरीके से जो है वॉच पे ये कॉलिंग चलती रहती है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आ रही है। और वहीं अगर नॉइस की बात करें तो कॉलिंग वाला फीचर काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कनेक्ट होने के बाद, और प्रॉपर आपको जो है रिमाइंडर भी देता है कि अगर आपका जो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वॉच पे आती है कि आपकी जो वॉच है वो डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि जो ब्लूटूथ मोड है वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये वाला फीचर आपको जो है बोट में देखने को नहीं मिलता और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। बट यहाँ पे दोनों ही वॉचेस के मैं माइक्रोफोन को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्वालिटी कैसे देने वाले हैं जब आप इसको कॉल पे यूज करोगे। तो अगर जब आवाज सुन रहे हैं वो बोट वेव कनेक्ट से आ रही है, यानी कि ये वॉच का जो माइक है कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है, अगर आप इसको कॉलिंग के टाइम पे यूज करोगे क्लोज इतना रहेगा उतनी अच्छी थोड़ी आवाज देता है, थोड़ा दूर करने पर आवाज थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पर। तो गाइस जो आप सुन रहे हैं वो नॉइस कलरफिट पल्स बस से रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि जिसके माइक्रोफोन है कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पर स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है, बोट में आपको यहाँ पर ऑडियो स्विच यानी कि फोन पर स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, नॉइस में जो अवेलेबल कर रखी है।
अब दूसरे फीचर की अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा लीप आपको देखने को मिलता है बोट की वॉच में कि इसमें बिल्ट इन एलेक्सा प्रोवाइड कर रखा है, यानी कि अगर आपने बोट एक्सटेंड देखी होगी तो वो वाला फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आपकी वॉच एक बार कनेक्ट होगी ना तो यहाँ पर आप बस ये बटन को दबाओगे तो आपका जो एलेक्सा वाला फीचर है वो ऑन हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी कमांड देके कुछ भी पूछ सकते हो। एलेक्सा व्हाट इज द वेदर राइट नाउ? In indoor it's 34 degrees Celsius with sun and haze. तो आप सुन सकते हैं कि ये कमांड भी देती है, इसमें क्योंकि स्पीकर लगा हुआ है तो आपको ये वॉइस प्रॉम्प्ट देखने को मिलता है, यानी कि एक्सटेंड में ये चीज नहीं थी क्योंकि वहाँ पे स्पीकर नहीं था तो वहाँ पे वॉइस प्रॉम्प्ट नहीं मिल पाता था। बट अगर आप कुछ भी सवाल यहाँ पे पूछते हो एलेक्सा से या रिमाइंडर वगैरह सेट करने को बोलते हो तो एलेक्सा की मैं एक बार और ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। मैं एलेक्सा सेट अ अलार्म फॉर 5। तो यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने 5 बजे का जो भैया अलार्म है एलेक्सा ने सेट कर दिया। तो यार ये फीचर बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाता है और इससे आप अपने डिवाइसेस वगैरह यानी कि स्मार्ट डिवाइसेस अगर आपके घर में हैं एलेक्सा वाले जो डिवाइसेस हैं उनको भी आप जो है वॉच के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे। बट एक चीज़ का ख्याल रखना कि वॉच जो है आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा आपके मोबाइल का इंटरनेट जो है वो चालू होना चाहिए, तभी जो ये फीचर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अब हमें बाकी फीचर्स को लेकर बात करूँ तो वही आपको HR देखने को मिलता है, वही SPO2 देखने को मिलता है। कंपेरेटिवली यहाँ पर जो रीडिंग्स हैं वो मुझे कहने की बोट में बेहतर लगी, सेंसर थोड़ा बेहतर वर्क कर रहे थे, रीडिंग्स यहाँ पे नॉइस में भी आपको अच्छी मिल जाती, ज्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं है। बट यहाँ पर टाइमिंग की अगर बात करूँ तो थोड़ा फास्ट आपको जो है बोर्ड यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा था, यानी कि रीडिंग जो थोड़ी पहले आ रही थी यहाँ पे। अब अगर मैं स्टेप काउंटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में स्टेप काउंटिंग काफी सिमिलर से आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो क्लोज टू क्लोज ही है, मतलब 1-2 pointer ही आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा, बाकी जो वॉकिंग आप कर रहे हो या मूवमेंट आप कर रहे हो तो ये जो सेंसर यानी कि जो मोशन सेंसर है वो यहाँ पे प्रॉपरली ट्रैक कर लेता है। अब दूसरा यहाँ पे 60 स्पोर्ट्स मोड दोनों ही वॉचेस में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो परफॉर्म करते हो तो आप इन मोड्स में जाके परफॉर्म करो तो आपको जो परफॉर्मेंस है यानी कि जो ट्रैकिंग है वो कहीं ना कहीं आपको और बेहतर देखने को मिलेगा। अब एक जो बेहतर फीचर मुझे यहाँ पे बोट में देखने को मिला जो कि अलग फीचर है वो है एम्बियंट साउंड वाला फीचर, यानी कि इसके जो माइक्रोफोन है ना उसको यूज करके आसपास की सराउंडिंग में कितनी नॉइज हो रखी है उसको ये बताता है। तो जैसे मैंने अभी इसको ऑन किया आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिबल रीडिंग्स दिखा रहा है और मैक्सिमम 63 गया है, मिनिमम 52 गया है। तो इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर अभी देखो दिखा रहा है कि मैं कितनी लाउडली बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ा फीचर जो है ना आपको यूनिक देखने को मिलता है, ये वाला फीचर जो है ना आपको नॉइज में नहीं मिलेगा। अब नॉइज में एक और फीचर जो आपको देखने को मिलता है जो बोट में नहीं है वो है वर्ल्ड क्लॉक वाला फीचर। तो इस वॉच में आपको वर्ल्ड क्लॉक मिल जाती है और वो वाला फीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो थोड़ा सा जो है बैलेंस करने की कोशिश करी यहाँ पर। अब अगर देखो मैं यहाँ पे दूसरी चीजों को लेकर बात करूँ तो आपका म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएगा आपको दोनों वॉचेस में, कैमरा कंट्रोल भी मिल जाएगा, अलार्म है, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, वो दोनों वॉचेस में आपको मिल जाता है। तो ये तो सारे कॉमन फीचर्स जो आपको चाहिए होते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल कर रखे हैं। बट यहाँ पे जो वॉच फेसेस हैं वो आपको काफी सारे दोनों ही ऐप में देखने को मिल जाते हैं, दोनों के जो ऐप है वो काफी डिफरेंट है और उन ऐप में आप कस्टम ऑप्शन भी आपको दे रखा है तो अपना फोटो वगैरह दोनों ही वॉचेस पे लगा पाओगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं। अब ऐप की बात करें तो कॉमन सा ऐप है जहाँ पे आप कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कॉलिंग वाला फीचर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वॉचेस में आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रखी है, तो नॉइज में आप 100 कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हो, वहीं आप पोर्ट में जो है 20 कॉन्टेक्ट जो है वॉच के अंदर सेव कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे, बाकी वही आपके यहाँ पे रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर सकते हो दोनों ही ऐप के थ्रू, और भी अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए तो दोनों ही ऐप जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन की कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, कनेक्टिविटी को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। बट सवाल उठ के आता है कि 2500 रुपए के प्राइस पॉइंट में आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि जो कुछ दिक्कतें हैं अभी फिलहाल वॉच में वो मैं होप कर रहा हूं कि OTA अपडेट्स में कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएंगी। बट अभी अगर आप देखोगे तो दोनों वॉचेस में से मेरी जो चॉइस यहां पे बनती है वो है बोट की वॉच। रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 extra एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं, एक तो वह एम्बिएंट वाला मोड हो गया और दूसरा एलेक्सा। तो एलेक्सा वाला फीचर अगर आपको मिल रहा है सेम प्राइस पे तो भैया कहीं ना कहीं प्रेफरेंस ये बेहतर हो जाती है। वहीं अगर नॉइस की मैं बात करूँ तो वॉच अच्छी है, लाइट वेट है, दिखने में भी काफी डिसेंट सी दिखती है, बट इस वॉच में वो एलेक्सा वाला फीचर अवेलेबल है नहीं, और अगर वो अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए बेहतर है। बट मेरी प्रेफरेंस, मेरी पर्सनल चॉइस जो है बोट को जाती है दोनों वॉचेस के कंपैरिजन में। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको दोनों वॉचेस में से कौन सी पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और कुछ भी सवाल आपके मन में रह गए हो दोनों वॉचेस को लेकर कि कौन सी खरीदना चाहिए तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और वहां पे भी यार आप 100 की यहां पे करा दिए तो कम से कम 10 के तो वहां भी बनते हैं, तो फटाफट से आप फॉलो कर लीजिए और वहां भी DM कर सकते हो अगर कुछ भी सवाल या मन में डाउट है तो। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जल्द मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट रहेगा इंदौर एक्सप्लोर के साथ।